क्वेश्चन नंबर एट है, यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स एक ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल है, सपोज इसके पॉइंट्स नेम है ए बी सी। कह रहा है कि मिड पॉइंट टू साइड्स के मिड पॉइंट से कोई लाइन मिल रही है, मिड पॉइंट से टू साइड के इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें दिखाना है, ये लाइन इसके पैरेलल है बताना है। तो ये सपोज डी है, ये ई है, तो गिबन में दिया है ए डी इज इक्वल टू बी डी, चूँकि डी इज मिड पॉइंट एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, चूँकि ई इज मिड पॉइंट। नाउ टू प्रूव में हम लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि डी इज मिड पॉइंट गिवेन, ये दिया है हमें, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी। सपोज इसके साथ हम मल्टीप्लाई मान लें 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। सपोज ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लाइन ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। डी मिड पॉइंट किसका था, ए बी का, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी। इसके साथ मल्टीप्लाई 1 सपोज कर सकते हैं, तो ई सी इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए ई अपान ई सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हुआ। अब कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका राइट साइड बराबर है 1-1 है, तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। और ये अगर ऐसा कंडीशन आ जाती ट्रायंगल में, तो इसका मतलब है कि ये कब आएगा, जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के। देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमारा प्रूव्ड हुआ।